डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अमेरिका में चुनाव के दौरान चेकर स्पीच को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्पीच को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सितंबर 1952 को दिया था। ये स्पीच अमेरिका के इतिहास की सबसे चर्चित भाषणों में से एक है, जिसके केंद्र में चेकर्स नाम का एक कुत्ता शामिल है। नमस्कार, मैं हूँ नीलम त्रिपाठी, आप देख रहे हैं amarujala.com। ये कहानी उस समय की है जब रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान न्यूयॉर्क पोस्ट में एक खबर प्रकाशित हुई कि रिचर्ड निक्सन ने एक सीक्रेट फंड बनाया है और कैंपेन में आ रहे फंड का निजी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर के बाद खूब विवाद हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ड्वाइट डी आइजनहावर से कहा कि रिचर्ड निक्सन का टिकट वापस ले लिया जाए। आरोपों से घिरे निक्सन ने हॉलीवुड के अल कैपिटन थिएटर से अपनी सफाई देते हुए कैंपेन फंड का पूरा हिसाब पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डोनेशन के तौर पर उन्हें एक ऐसी चीज मिली है जिसे वे कैंपेन को नहीं दे सकते। ये एक काला और सफेद अमेरिकन कॉकर स्पैनियल कुत्ता है, चेकर्स। निक्सन ने बताया कि इस कुत्ते से उनकी बेटी को बहुत प्यार है। आलोचक इसके लिए कुछ भी कहें, वो चेकर्स को किसी को नहीं देंगे। निक्सन की स्पीच कई मायनों में खास थी, साथ ही अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ये पहला टेलीवाइज भाषण था जिसे 6 करोड़ लोगों ने अपने घरों में देखा और सुना। चेकर्स स्पीच से लोग इतने प्रभावित हुए कि निक्सन के उपराष्ट्रपति बनने की राह आसान हो गई। वे 1961 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, फिर 1969 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति भी बने। अब आपको अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप इस बारे में और ज्यादा अच्छे से जान सके। भारत को अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है तो अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। करीब 200 साल पहले सन 1804 में यहाँ चुनाव की शुरुआत हुई। पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था, लेकिन तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। उस समय जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वो राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता था। यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं। भारत की तरह अमेरिका के संसद में भी 2 सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 435 है। दूसरे सदन सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के 91 राज्य कोलंबिया से 3 सदस्य आते हैं। इस तरह संसद में कुल 538 सदस्य होते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जन्म अमेरिका में ही हुआ हो और वो 14 साल से देश में रह रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति को अंग्रेजी भाषा भी आनी आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टर्स मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत हासिल होना चाहिए। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकाल के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अमर उजाला को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल अमर उजाला वीडियोस यानी AUV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।